कुवैत से बुधवार को एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनते ही भारत में शोक की लहर दौड़ गई। कुवैत के मगहब क्षेत्र में विदेशी मजदूरों वाली एक बहुमंजिला इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में कुल 49 लोगों की जान चली गई है, इसमें 40 भारतीय थे। इस हादसे में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह आग उस वक्त इमारत में लगी जब प्रवासी मजदूर सो रहे थे। बताया जा रहा है कि इस इमारत में कुल 196 लोग रहते थे। खैर, घटना के बाद भारत सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर अपने कुवैती समकक्ष अब्दुल्ला अली अल से बातचीत की है। बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि आग लगने के कारण जान गंवाने वाले भारतीयों के शव शीघ्र भारत भेजे जाएं। इस संबंध में जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कुवैत में आग लगने की घटना पर विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल से बातचीत की जानकारी दी है। बातचीत के दौरान आश्वासन दिया है कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। इतना ही नहीं, इस बयान में विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कुवैत में भारतीय दूतावास कुवैती अधिकारियों से पूरा ब्यौरा जुटाने में लगा है। कुवैत में जो लोग घायल हो रहे हैं उन्हें 5 सरकारी अस्पतालों यानी अडन, जाबीर, परवानिया, मुबारक, अल कबीर और जहारा में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार भर्ती कराए गए ज्यादातर मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से देर रात एक बयान भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुवैत के मगहब क्षेत्र में एक आवासीय इमारत में आग की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। करीब 40 भारतीय की जान चली गई। इस इमारत में श्रमिक रहते थे। पीएम मोदी ने घटना को दुखद बताया है। वहीं इस घटना को लेकर समीक्षा बैठक भी की है और जिम्मेदारों को जवाबदेही के लिए विदेशी सरकार को निर्देश भी किया है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।